PN Sehgal Inter College, Kanwakhera, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. यूपी में जमीन विवाद को लेकर मामले तूल पकड़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यूपी के सीतापुर में भूमि पैमाइश की एक मामले में वकीलों और एसडीएम के बीच विवाद हो गया। इसी बीच फिरोजाबाद में भी जमीनी विवाद संबंधी एक मामले में किसान और न्यायिक अधिकारी तहसीलदार के बीच एक दूसरे पर हाथ उठाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें जमीनी विवाद सुलझाने गए तहसीलदार ने संबंधित किसान पर किसी बात को लेकर हाथ उठाया तो बदले में किसान ने भी तहसीलदार के गाल पर तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही तहसीलदार जमीन पर गिर गए। मामले में एसडीएम ने दो आरोपियों को जेल भेज दिया है। पूरा मामला बताने से पहले आइए आपको वह वीडियो दिखाते हैं। दरअसल पूरा मामला जसराना तहसील क्षेत्र के गांव नगला तुरसी का है। थाना जसराना के गांव नगला तुरसी में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। एक पक्ष द्वारा अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की गई थी। विवाद को सुलझाने के लिए तहसीलदार जसराना ललता प्रसाद राजस्व टीम के साथ गांव पर पहुंचे। इस दौरान दूसरे पक्ष के धर्मेंद्र एवं वीरेश्वर मौके पर आ गए और हंगामा करने लगे। तहसीलदार और राजस्व टीम ने विवाद करने से रोका तो इसी बीच एक किसान ने तहसीलदार के साथ हाथापाई करते हुए उन्हें थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारते ही तहसीलदार के साथ क्या हुआ इसे आप वीडियो में पहले ही देख चुके हैं। तहसीलदार के साथ हाथापाई होने पर राजस्व टीम सकते में आ गई। टीम द्वारा अवैधता करने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तहसीलदार लालता प्रसाद के मुताबिक जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए वह नगल तुरसी गए थे। विवाद को सुलझाने के दौरान उनसे हाथापाई हुई है। मामले में संबंधित लेखपाल द्वारा तहरीर दी गई है। थाना प्रभारी अंजीश कुमार सिंह के मुताबिक शांति भंग की कार्रवाई की गई है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।